वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहां को मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट को बाय एंड सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट को अपनी गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी। इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से भी जरूर करें। कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना है एंड बजट के पहले किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम को कैप्चर करना है। हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि डे हाई हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एक 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा बाइंग में प्लान कर सकते हैं। 650 हो गया, 600 हो गया, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल तो क्लोज किया लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, इसके लो को ब्रेक डाउन कर दिया और थोड़ा थोड़ा डाउन साइड में निकल गया। हम लोगों ने कल यहाँ पर 400 के नीचे सेल के लिए प्लान किया था कि अगर 400 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करेगा तो फिर हम लोग सेल में प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 400 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज किया और इसके हाई को कहीं पे ब्रेकआउट नहीं दिया, ये जो कैंडल है ये स्टॉप लॉस था। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट डाउन साइड में ही मोमेंटम किया लेकिन बड़ी मूव नहीं कैप्चर कर पाया। यहाँ पर 45,500 से लेकर के 45,250 के रेंज में 2,500 पॉइंट का रेंज मार्केट ने यहाँ पर बनाया और इसी रेंज में मार्केट ने पूरा डे ट्रेड किया, कहीं पे कोई मोमेंटम नहीं किया। और आज फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी था, एक्सपायरी एकदम बहुत ही बेकार गया क्योंकि मार्केट में कोई मोमेंटम हुआ नहीं। जब तक मूव नहीं मिलेगा जीरो टू हीरो ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। तो अभी भी देखेंगे तो फाइनली मार्केट रेंज में ही ट्रेड किया है। अभी मार्केट के लिए बैंक निफ्टी के लिए 45,500 का रेजिस्टेंस है। अगर 45,500 के ऊपर मे बी मार्केट फ्लैट ओपन हो, थोड़ा गैप अप ओपनिंग हो, 45,500 के ऊपर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाती है एंड इस तरीके से सस्टेन करना स्टार्ट करती है, हम लोग बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट 45,650 का होना चाहिए एंड सेकेंड टारगेट 45,800 का एंड उसके नेक्स्ट 46,000 का टारगेट होना चाहिए। सेल के लिए हम लोग कब प्लान करेंगे, 200 के नीचे 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करेगा, एक कम्प्लीटली एक रेंज है। रेंज के नीचे अगर एक 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज कर दिया तो इसके नीचे एक बड़ा सेल अप आने का चांस है। 200 के नीचे सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट 45,000 एंड सेकंड टारगेट 44,650 का सेकंड टारगेट होना चाहिए। बहुत बड़ा स्पेस है डाउन साइड में। अगर ये ब्रेक डाउन कर दिया तो 650 ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसी पॉइंट का सपोर्ट बनेगा तो 650 का इसका नेक्स्ट टारगेट है। अगर 45,200 का ब्रेक डाउन किया तो इसके नीचे एक बड़ा टारगेट है, 550 पॉइंट का टारगेट है। अगर 45,200 का ब्रेकडाउन हुआ तो 44,650 का हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट 45,000 का टारगेट होना चाहिए। अपर साइड में भी एक बड़ा स्पेस है, अपर साइड में भी निकलती है तो अच्छा पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं लेकिन 45,500 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ये रेंज है 45,500 से लेकर के 45,200 का रेंज है, ये 300 पॉइंट का रेंज है। ये ट्रैपिंग जो है इस रेंज से दूर है, बाय सेल का प्लान ना करें। ये सेलर जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए रेंज है। यहाँ पर अस्ट्रेडल एंड अस्ट्रेंगल बना करके बैठा रहेगा और दोनों का प्रीमियम खाते रहेगा, कॉल का भी पुट का भी, लेकिन जो ऑप्शन बायर है उनके लिए बेहतर है कि 300 पॉइंट से दूर रहें। जब तक प्रेस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे तब तक यहाँ पर बाय एंड सेल के लिए प्लान नहीं करना है। आई थिंक ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड अगर बहुत बड़ी गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बनने दे, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। चलिए भी हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं, निफ्टी 50 किस तरीके से हमें कल ट्रेड करनी है। यहाँ पर देखेंगे तो आज निफ्टी बहुत ही शानदार मूव किया। हम लोगों ने यहाँ पर कल क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर 675 के नीचे, इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे मार्केट एक रेड कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर ये सेल में चला जाएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे मार्केट तो ओपन हुआ, गैप अप यहाँ पर थोड़ा सा ओपन हुआ, एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट के क्लोज किया लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करता तो फिर डेफिनेटली ये 22,000 लेवल के लिए चला जाता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि 675 के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज करती है तो फिर ये सेल में चला जाएगा। यहाँ पर देखेंगे रेड कैंडल क्लोज किया, इसके लो का ब्रेकडाउन हुआ एंड एक कम्प्लीटली सेल में चला गया, बहुत बड़ा डाउनफॉल किया। 675 से 500 का लो लगाया है, जो साइकोलॉजी लेवल जो हमारा टारगेट था टारगेट को डन किया, 175 पॉइंट्स का यहाँ पर डाउनफॉल किया है। लेकिन निफ्टी एंड फिनांस निफ्टी दोनों ही रेंज में ट्रेड कर रहे थे, सॉरी बैंक निफ्टी और फिनांस निफ्टी दोनों ही रेंज में ट्रेड कर रहे थे लेकिन निफ्टी 50 अपने टारगेट को डन किया। हमारा 21,500 का टारगेट था, टारगेट को डन किया, जैसे ही 21,675 के नीचे रेड कैंडल क्लोज किया इसके नीचे एक जबरदस्त का मूव मिला। यहाँ पर बाइंग में जा सकता था लेकिन ये जो क्लोजिंग कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए था तो फिर 22,000 टारगेट के लिए चला जाता, लेकिन ये
21,675 के नीचे रेड कैंडल क्लोज किया, लो का ब्रेक डाउन किया, जबरदस्त का डाउनफॉल किया, 5,200 का लेवल टच किया, साइकोलॉजी लेवल टच किया, बहुत ही शानदार मूव किया, यही ब्रेकआउट पॉइंट था। यहाँ से डब्ल्यू फॉर्मेशन बना करके 500 के पास से मार्केट यहाँ पर रिकवर करना स्टार्ट किया था, अभी सेम पॉइंट पर आ चुकी है। तो क्या मार्केट में यहाँ से उछाल होगा या फिर मार्केट कम्प्लीटली डाउन साइड में मोमेंटम करते जाएगा? बैंक निफ्टी आज इसका सपोर्ट नहीं दिया, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट देता तो बहुत ही अच्छा मूव करता। फिर भी निफ्टी 50 ने अपने टारगेट को डन किया, 21,500 का हमारा टारगेट डन किया। कल मार्केट निफ्टी 50 अगर फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ से एक बार उछाल आना चाहिए। उछाल कहाँ तक आना चाहिए? 21,650, 660 सारे टारगेट के लिए उछल सकती है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया तो उछाल लेगा, लेकिन हमें उछाल में सेल नहीं करना, उछाल में बाइंग के लिए प्लान नहीं करना। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ये उछाल लेती है तो उछाल को इग्नोर कर देना है, बाइंग नहीं करना है, पॉइंट कैप्चर नहीं करना। इधर से 21,600 हो गया, 21,650, 700 के पास में इधर से एम पैटर्न या फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल या फिर एक डोजी कैंडल, एक रेड कैंडल बना करके उसके लो का ब्रेकडाउन करेगा तो फिर हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकडाउन लेवल है। अगेन मार्केट इस पॉइंट तक उछल कर जाएगा तो यहाँ पर सेलर फिर से ट्राई करेंगे मार्केट को डाउन साइड पुल करने के लिए अगेन साइकोलॉजी लेवल तक। तो यहाँ पर जैसे ही सेलिंग का पैटर्न दिखेगा, धड़ाधड़ सेलिंग आएगी, तो इस पॉइंट पर सेल करना है। फिर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, डे लो के नीचे अगर 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी कम कर देना है, सेल करना, लेकिन क्वांटिटी कम करके सेल करना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है। यहाँ पर 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज करती है यानी कि बायर्स यहाँ पर और ऐड नहीं हो रहे हैं, सेलर ज्यादा हावी हो रहे हैं। तो अगर 5 मिनट का रेड कैंडल क्लोज करती है तो कहीं ना कहीं डाउन साइड में जाएगा। तो हम लोग छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पर डाल करके सेल कर सकते हैं। टारगेट रखना है 21,350 के टारगेट के लिए सेल करनी है। यहाँ पर 150 पॉइंट हम लोग इजिली कैप्चर कर सकते हैं। अगर 21,500 के नीचे 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज कर दिया तो 21,350 के लिए टारगेट के लिए हमें सेल करनी है। बाइंग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? बाइंग हमें 750 के ऊपर ही करनी है। इसके ऊपर में भी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, 750 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर गया, इसके ऊपर सस्टेन करने लगा तो फिर ये बाइंग में जा सकती है। बाइंग अभी इसमें नहीं है, या फिर थोड़ा सी इसमें डिप लगा करके इधर 350 या 400 के पास से इस तरीके से डब्लू फॉर्मेशन बनाएगा तो फिर बाइंग होगा, या फिर 21,750 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बाइंग होगा। अभी निफ्टी 50 को सिर्फ सेल में देखना है, सेल के लिए कहाँ कहाँ पर प्लान करना, या तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाए इस जोन पर, यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा सेल करेंगे, या फिर मार्केट उछाल लेगा इधर से एक रेड कैंडल बनाएगा सेल करेंगे। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 500 के लेवल के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज किया तो सेल करेंगे, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर कंफ्यूजन एरिया हो जाएगा, मे बी 21,400 या फिर 21,420, 380 ये सारे जोन में ओपन होती है तो फिर ये कंफ्यूजन लेवल होगा तो मार्केट जाएगा किधर, क्योंकि अगर 400 के आसपास में ओपन होती है तो 300 का एक सपोर्ट है एंड अपर साइड में 500 का रेजिस्टेंस है, तो 100 पॉइंट अप एंड 100 पॉइंट डाउन है तो मार्केट किधर जाएगा, निफ्टी 50 किधर जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो उसके लिए बेहतर है प्राइस एक्शन बनने दें, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करना। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।